लाल प्रजापति जो कुम्हार हूँ और कलाकार भी मतलब हूँ और जो बनाता हूँ ये सब कुछ है, जैसे हाथी घोड़ा और शेर वगैरह और भी बहुत से आइटम हैं, जो मंदिर है, जो चिड़ियाँ हैं, सभी प्रकार की वो सभी कला करता हूँ मैं। मतलब पिताजी के पिताजी हैं जो बालचंद प्रजापति हैं, वो हमारे दादा हैं, उन्हीं ने मतलब शुरुआत की कला की। कम से कम 40 साल पहले से बना रहे हैं दादाजी की बात। दादाजी ने हमारे पिताजी को सिखाया, वो भी बनाने लगे और अब पिताजी ने हमको भी सिखाया, हम भी बनाने लगे हैं। और हमारा एक बेटा भी है जो अब स्कूल भी जाता है और उसको भी वो भी अपने मन से मैं भी सिखा रहा हूँ कि मतलब सीखे वो। ये छोटे छोटे आइटम ही बनाता है, जैसे उसने ये छोटा छोटा हाथी भी बनाया है, ये सीख रहा है वो, जो अभी स्कूल गया है। वो आएगा स्कूल से, इसके बाद वो इसी काम में लग जाता है वो बनाने। गाँव है हमारा ये कैंडा जी के पास, लोग भी आते हैं देखने के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व। और हमने भी देखा है यहाँ जो जानवर है, टाइगर है, ये सब देखने के बाद भी हमको भी लगा कि मतलब लोग आते हैं देखने के लिए, हम भी बनाएं मिट्टी से। तो हमने भी टाइगर बनाया है, जैसे उसके मास्क भी बनाए हैं, वो छोटे छोटे आइटम इसके बाद इस जानवर भी बनाए हैं और तो बेचने भी जाते हैं, जैसे भोपाल, दिल्ली और इंदौर, उज्जैन, मतलब सभी जिलों में जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे बंगाल में भी प्रदर्शनियाँ लगाए हैं, राज्यपाल के यहाँ है दार्जिलिंग में, वहाँ 3 दिन की प्रदर्शनी लगाए हैं। और जो हम लोग बनाते हैं तो ये प्योर मिट्टी है, इसमें मतलब कोई हम केमिकल वगैरह नहीं मिलाते हैं, जो क्रक ना हो। इसके लिए हम कंडे को कूट कर उसकी जो राख होती है उसको खूब मिलाते हैं, ताकि फटे फटे नहीं। छोटे छोटे आइटम हैं तो मान के चलो दिन में 2-3 पीस बन जाएंगे, इसके बाद सूखने में टाइम लगते हैं और करीब 4-5 दिन सुखाने पड़ते हैं, और भट्टी करीब 5-6 घंटे तक इसको आग जलाते हैं तभी ये पक पाते हैं। यहाँ हम लोग तो मतलब कला बनाते हैं और यहाँ से जो लोग खरीद कर ले जाते हैं और बेचते भी हैं वो, तो मतलब हमसे यहाँ तो कम दाम में ले जाते हैं, वहाँ बाहर जाके वो अपने कोई दुगने तिगने दामों पर बेचते हैं, जो हम लोगों को इतना फायदा नहीं मिल पाता है, जिससे मतलब कला भी थोड़ी पीछे होती जा रही है और लुप्त सी होती जा रही है, ये समस्या थोड़ी है हम लोगों को। बाहर तो बेच नहीं सकते हम लोग ले जाके। लॉकडाउन के चलते हुए तो हम लोगों को बहुत परेशानियाँ आई हैं, लोग को जो सामान बनाया वो घर पर ही रखा है, और थोड़ी बहुत जो 1-2 प्रदर्शनी मिलती थी वो भी नहीं मिली हैं, तो क्योंकि लॉकडाउन लगा है इसलिए लोग नहीं आते हैं, वो सरकार ने भी बंद कर रखा था। बिक्री नहीं होगी तो हम लोगों से कला भी छूट जाएगी, जो संस्कृति की धरोहर है। और अब फिर मजदूरी के सिवा फिर और हमारा कोई साधन नहीं है, तो फिर कला छूट गई तो फिर मजदूरी तो करेंगे। जैसे संस्कृत का हम कलाकारों के घर घर पहुंचे हैं, वैसे हम भी चाहते हैं कि हमारी कला और सामान भी घर घर पहुंचे।